दोस्तों आप लोग तो जानते होंगे कि बोर्नियो एक हार्डवेयर सॉल्यूशन का टूल है और यहाँ पे हमें मोबाइल के डायग्राम दिखाए जाते हैं और जंपर लाइन हमें यहाँ पर दिखाई जाती है, कोई भी वोल्टेज वगैरह की लाइन वगैरह जो भी होती है हमें यहाँ सब कुछ दिखाया जाता है। मगर शायद आप नहीं जानते होंगे कि यहाँ पर हमें मोबाइल के सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड किए जाते हैं, यहाँ पर हमें फ्लैश फाइल भी मिलती है। हमें अगर कोई भी फ्लैश फाइल डाउनलोड करनी है तो यहाँ से हम उस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो शायद कुछ लोगों को पता होगा और कुछ लोगों को नहीं पता होगा ये सब चीज़ें, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर बोर्नियो जो हार्डवेयर सॉल्यूशन के लिए ज़्यादा पॉपुलर है और सॉफ्टवेयर के लिए काफ़ी कम है। इसमें किसी को शायद पता होगा या किसी को नहीं होगा कि इसमें मोबाइल के सॉफ्टवेयर और डम्प फाइल और कंप्यूटर की फाइल भी यहाँ पे हमें मिल जाती है। तो मैं आज आपको यही बताने वाला हूँ। और जो लोग जानते हैं कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर फ्रेमवेयर मोबाइल के मिल जाते हैं तो वो शायद वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप कॉर्नर में देख सकते हैं, यहाँ पे हमें BDW का ऑप्शन मिल रहा है और इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों ये मोबाइल फ़ोन का ऑप्शन है और यहाँ पे हमें सभी मोबाइल के ब्रांड यहाँ पे हमें दिखा रहा है। आप जैसे कि देख रहे हैं ये ओप्पो का है, ये रियलमी का है, वन प्लस का है और ये दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेमवेयर करके, ये दोस्तों सॉफ्टवेयर फाइल है जिसे हम फ्लैश फाइल करते हैं। तो मैं यहाँ पे ओप्पो के ऊपर क्लिक करता हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें ओप्पो के मॉडल दिखा रहा है। अब मैं यहाँ पे कोई भी मॉडल पे, कौन से भी मॉडल पे मैं क्लिक करके इसे डाउनलोड करके आपको बताऊँगा। और यहाँ पे दोस्तों ये डाउनलोड का ऑप्शन है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। फिर से यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आया, इसके ऊपर फिर से मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद दोस्तों हमारा जो क्रोम ब्राउज़र है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ से मैं डाउनलोड अगर करता हूँ तो हमारा डाउनलोड स्टार्ट हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों ऐसे ही यहाँ से हम फ्लैश फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे गूगल के ऊपर हम अगर सर्च करते हैं तो अभी के सभी मॉडल के फाइल मिल जाती है, मगर कुछ मॉडल ऐसे होते हैं जिनकी फाइल हमें गूगल पे सर्च करने के बाद भी नहीं मिलती, तो ऐसे मॉडल हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है लैपटॉप का। यहाँ पर दोस्तों लैपटॉप में सभी ब्रांड के बायोस फाइल जो होती है, जो छोटी सी फाइल होती है 4 MB की फाइल होती है बायोस की, उसे हमें अगर जैसे बायोस करप्ट अगर हो गया तो हम उसे प्रोग्राम करके लैपटॉप को दोबारा से ऑन कर सकते हैं। अगर बायोस प्रोग्रामर दोस्तों अलग आता है, बायोस प्रोग्रामर अमेजोन के ऊपर 550 रुपये का है और उसका टूल भी हमें मिल जाता है। इसके ऊपर मैंने पहले से और एक वीडियो बना के रखी है, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन के ऊपर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पर दोस्तों बायोस प्रोग्राम के बारे में मैंने पूरी डिटेल से बता के रखा हो। तो यहाँ से दोस्तों किसी भी ब्रांड का लैपटॉप अगर है तो उसका बायोस फाइल यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी करके दिखाया डाउनलोड, वैसे ही डाउनलोड करता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर EMMC फाइल है, तो यहाँ पर दोस्तों हमें डम फाइल मिलेंगी। डम फाइल काफ़ी मुश्किल होती है मिलना, कई मॉडल की डम फाइल नहीं मिल पाती। हम गूगल पे सर्च करते हैं तो कुछ वेबसाइट होती है जो पेड होती है, जहाँ से पैसे मांगते हैं डम फाइल डाउनलोड करने के लिए। ऐसे में दोस्तों यहाँ पे बोर्नियो में हमें फ्री में मिलने वाली है, अगर आपके पास इसका 1 साल का एक्टिवेशन अगर है तो। उसके बाद दोस्तों UFS फाइल है, दोस्तों UFS फाइल भी सेम वैसी है डम फाइल। इसमें दोस्तों सभी मॉडल दिए हैं, Xiaomi, Realme, Oppo, Vivo, ये सभी दोस्तों यहाँ पर दिए हुए, जिसमें UFS चिप लगा रहता है ये उनके लिए है। उसके बाद दोस्तों स्पेशल फाइल है, स्पेशल फाइल में दोस्तों ये IMEI फाइल, QCN फाइल, यानी यहाँ पे दोस्तों कुछ मॉडल फ्रेमवेयर भी है सैमसंग वगैरह के स्पेशल फाइल में। और यहाँ पे और दोस्तों यहाँ पे ISP, UFS, MTK, SPD के भी यहाँ पे हमें डायग्राम देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों हमें एक इमेज देखने को मिलेंगे, जो ISP पिन आउट होते हैं उनका हमें यहाँ पर इमेज देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों अगर हम PC के ऊपर क्लिक करते हैं, PC के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे पास कंप्यूटर में जो मदरबोर्ड लगे रहते हैं, जो ASUS के होते हैं, HP के होते हैं, GIGABYTE के होते हैं, MSI का है, अगर आपके पास इस कंपनियों के अगर मदरबोर्ड अगर आते हैं रिपेयर करने के लिए, जिनका BIOS करप्ट हो जाता है, जो कि 4 MB का रहता है और उनकी 8 पिन की एक छोटी सी IC लगी रहती है, उसमें उसका स्टोरेज रहता है 4 MB का, और उस स्टोरेज में अगर करप्ट अगर हो गया उसका फाइल तो BIOS रीप्रोग्राम कर सकते हैं। रीप्रोग्राम करने के लिए दोस्तों उसका प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा महंगा नहीं है, बहुत छोटा सा प्रोग्राम रहता है, 550 रुपये का अमेजोन के ऊपर मिलता है।
दोस्तों लैपटॉप और कंप्यूटर के बायोस फाइल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, खास करके कंप्यूटर के मदरबोर्ड के ये काफ़ी कम मिलते हैं। अगर हम गूगल के ऊपर सर्च भी करेंगे तो प्रॉपर फाइल मिलेंगी इसकी कोई गारंटी नहीं होती। और दोस्तों यहाँ पर हमें डंप फाइल भी मोबाइल की मिल जाती है, जो कि इंटरनेट के ऊपर गूगल के ऊपर हम सर्च करते हैं तो हमें बड़ी मुश्किल से वो भी नहीं मिल पाती। कुछ कुछ मॉडल के मिलते हैं, कुछ मॉडल के नहीं मिलते। और कई बार डंप फाइल के ऊपर डाउट भी होता है कि मोबाइल ऑन होगा कि नहीं होगा। दोस्तों अगर आपको जानकारी हमारी अच्छी लगी होंगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक की जय हिंद जय भारत।